अगर आप भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आने वाले के बारे में आपको पता चल जाए। अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगी कंसेप्चुअल वीडियो और कंसेप्चुअल वीडियो के साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको ये कोर्स के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं नोट्स, या आप हमारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम टू लर्निंग सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर कोर्स एंड दिस चैप्टर इज डिस्कसिंग अबाउट कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन दोनों चीजों के रिगार्डिंग, बैलेंस शीट के जो मेन एलिमेंट होते हैं कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इनके रिगार्डिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं सेक्शन नंबर 11 जो कि बात करता है मिनिमम पेड अप कैपिटल या रिजर्व की। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल या रिजर्व की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है कि बैंक आपका इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पे है और उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि मिनिमम आपके पास पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए एंड रिजर्व कितने होने चाहिए। और ये क्या है, एग्रीगेट वैल्यू है, मीन्स पेड अप प्लस रिजर्व की वैल्यू मिला के इतना मिनिमम आपके बैलेंस शीट में होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, जस्ट फॉर क्लैरिटी, अगर एक शेयर है एंड उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज एंड उसपे कॉल कितनी करी गई है मनी, मीन्स अगर एक कंपनी ने 100 रुपए का शेयर इशू करा है तो शेयर होल्डर से उसने अभी तक सिर्फ कितने पैसे मंगवाए हैं, 50 रुपीज मंगवाए हैं। तो 50 रुपीज क्या है, पेड अप कैपिटल है उसकी एंड बाकी 50 क्या है, अनपेड कैपिटल है। सो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व हमारे मिनिमम कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर बैंक आपका इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और इंडिया के अंदर जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कौन सी सिटी में है, या तो मुंबई में है या कोलकाता में है या दोनों में है, तो वहां पे मिनिमम आपको 20 लाख रुपए रखना पड़ेगा कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, अभी कैपिटल और रिजर्व, जब मैं कैपिटल बोलूंगी यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज कैपिटल प्लस रिजर्व, एंड कैपिटल भी कौन सी समझनी है, पेड अप कैपिटल। ठीक है, सो फॉर शॉर्ट कीपिंग इट शॉर्ट आई विल जस्ट से कैपिटल फ्रॉम नाउ ऑन। सो इन सेकंड पॉइंट उन्होंने हमें क्या बोला कि मुंबई और कोलकाता के अलावा अगर आपका कहीं पे प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहां पर आपकी मिनिमम पेड अप मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई और कोलकाता के अलावा किसी और जगह पे है तो वहां पे आपकी पेड अप कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 15 लाख रुपए होनी चाहिए। देन हम बात कर लेते हैं अगर कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट अगर आपका बिजनेस एक ही स्टेट में है तो वहां पे आपके पास कितनी होनी चाहिए, एक ही स्टेट में बिजनेस है और आपका ना तो मुंबई में है ना कोलकाता जैसी सिटी में, मीन्स मेट्रो सिटी या बड़े शहर में नहीं है आपका और एक ही स्टेट में बिजनेस है, तो वहां पे आपको कितनी मिनिमम कैपिटल रखनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए। ठीक है, देन जिस आपका जिस स्टेट में है, लाइक अगर हम बात करें कि पंजाब में है एंड पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ पंजाब में है तो वहां पे एक स्टेट में आ गया एंड मुंबई और कोलकाता में नहीं है तो मिनिमम मेरे को कितना रखना पड़ेगा, 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल रखनी पड़ेगी। देन हम बात करते हैं कि पंजाब में लुधियाना के अंदर अगर मेरी एक से ज्यादा प्लेस में मेरा बैंक की ब्रांच है, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला कि ₹10,000 एडिशनल आपको रखना पड़ेगा फॉर ईच ऑफ द अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट हैज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। समझ गए कि अगर पंजाब के अंदर मेरा मेन प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ पे है, लुधियाना के अंदर है, एंड लुधियाना में अगर एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा आ जाता है तो हर एक एडिशनल के लिए मुझे ₹10,000 और मिनिमम पेड अप कैपिटल रखनी पड़ेगी एंड प्लस ₹25,000 फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस एल्सवेयर इन द स्टेट, और मैक्सिमम कितना होएगा, ये 5 लाख होएगा। सो देखते हैं, अगर पंजाब में लुधियाना के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, हर एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 25,000 ऐड करना पड़ेगा अपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल के अंदर। बट ये जो 25,000 मैं ऐड करने वाली हूँ, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 लाख तक ही ऐड करना है। सो मैक्सिमम लिमिट क्या उन्होंने बोला, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 लाख। सो ये हो गया कि अगर एक ही स्टेट के अंदर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है और कोलकाता या मुंबई में नहीं है, गॉट इट। नाउ अगर आपका बिजनेस एक से ज्यादा स्टेट के अंदर आ जाता है तो वहां पर आपको मैक्सिमम कितना लेना है, 5 लाख का ही लेना है पेड अप कैपिटल।
तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि वन एक स्टेट के अंदर हो तो भी मैक्सिमम उन्होंने कितना बोला कि 5 लाख तक आपको जाना है, ठीक है, मिनिमम है 1 लाख। फिर उसके बाद जैसे जैसे कंडीशन मीट होती रहेगी, अगर आपने सेम डिस्ट्रिक्ट में खोले हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो 10,000 ऐड होता जाएगा, अगर आपने कहीं और पर खोले हैं तो वहां पे आपका 25,000 ऐड होता जाएगा सेम स्टेट के अंदर, बट मैक्सिमम कितना जा सकते हो आप 5 लाख। और अगर आपका एक स्टेट से ज्यादा के अंदर बिजनेस है तब भी आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, मिनिमम आपको 5 लाख रखना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है। नाउ हमारा बिजनेस जो है प्लेस ऑफ बिजनेस एक से ज्यादा स्टेट में ही है, बट उनमें से एक प्लेस या एक से ज्यादा प्लेस कहाँ पे है, इन द सिटी ऑफ मुंबई और कोलकाता, और बोथ मींस मुंबई कोलकाता के अंदर हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो वहां पे हमारी मिनिमम कैपिटल की लिमिट जो है बढ़ जाती है, वो हमारी हो जाती है 10 लाख रुपीज। ना कोलकाता और मुंबई में ज्यादा उन्होंने दिया है बिकॉज दैट इज अ मेन हब हम कह सकते हैं इसकी वजह से। तो ये हो गया रिगार्डिंग मिनिमम पेड अप कैपिटल की, इतनी मिनिमम पेड अप कैपिटल हर टाइम पे आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव कवर्ड सेक्शन 11। अब हम देख लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मींस जब आप डिविडेंड पे करने जा रहे हो, बैंक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने जा रहा है, उससे पहले उनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जिसका ध्यान रखना है। अब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई क्यों जाती हैं, बिकॉज अगर आप अपने कंपनी अपने ओनर्स को पैसे दे रही है तो हम उससे पहले मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप बाकी जगह पे अपना लाइबिलिटीज वगैरह का पे कर सकते हो, तभी आप अपने ओनर्स को पैसे दे रहे हो। एंड ये इस चीज को इंश्योर करने के लिए लाए गए हैं प्रोविजंस, ताकि शेयर होल्डर्स जो है वो ज्यादा पैसे अपने पास ना लेकर जा पाए एंड कंपनी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी करे। तो ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला जब भी आप डिविडेंड पे करने जाओगे तो आपको कुछ आइटम्स राइट ऑफ करनी पड़ेगी डिविडेंड के अंदर से। तो वो कौन सी आइटम जो है आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी, सबसे पहले है कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि वो खर्चे जो हमने एक ही साल में सारा खर्चा नहीं देना, तो हम क्या करते हैं उनको कैपिटलाइज कर लेते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं एंड ईयर बाय ईयर हम राइट ऑफ करते हैं। जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जिसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे कंपनी खोलने के पहले हैं, बट इनको राइट ऑफ क्या करते हैं हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 5 ईयर्स का मेनली लिमिट रहता है, तो वहां पर हम इसको राइट ऑफ करते हैं। तो जब भी अगर आपके बुक्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं तो आप क्या करोगे, अगर आपके रिजर्व्स 10 लाख के हैं तो उसमें अगर आपके मान लो 20,000 के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पड़े हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए, तो ये रिजर्व्स में से आप 20,000 माइनस करोगे, देन 9,80,000 का आपका रिजर्व्स बचेगा। अब ये रिजर्व है जिसमें से एलिजिबल है कि आप शेयर होल्डर्स को पैसे दे सकते हो। ये क्यों किया गया, ताकि रिजर्व्स आपके एक्चुअल अमाउंट पे आ जाए। मींस 10 लाख का अगर हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि आपने सेव करके रखा है, बट उसमें से 20,000 का खर्चा तो ऐसा जो आपने अकाउंट फॉर ही नहीं करा हुआ, उस प्रॉफिट में से माइनस ही नहीं करा हुआ है। इसलिए जब भी डिविडेंड आप शेयर होल्डर को देने जाओगे तो उससे पहले आपको ये सारी चीजें माइनस करनी पड़ेगी, ताकि एक्चुअल प्रॉफिट देखा जा सके कि जो शेयर होल्डर्स का है और उसी में से शेयर होल्डर को उनका पार्ट हम दे पाए, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस। ये भी वही हो गया कि जब भी हम अपनी कंपनी को सेटअप करते हैं तो वहां पे स्टार्टिंग के जो खर्चे होते हैं वही वाले सारे खर्चे आ जाते हैं यहाँ पे। देन शेयर सेलिंग कमीशन, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वहां पे उसको जो कमीशन पे करनी पड़ती है वो वाली कमीशन राइट ऑफ करनी है अगर नहीं करी हुई। देन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज हो गया कि अगर बैंक जो है कोई और सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, कोई और शेयर्स वगैरह सेल कर रहा है किसी और गवर्नमेंट के या किसी इंस्टीट्यूशन के, तो वहां पे अगर कुछ ब्रोकरेज उसको पे करनी पड़ी थी तो वो खर्चा भी हम माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, देन ओनली वी विल पे द डिविडेंड। देन लास्ट वी हैव अमाउंट ऑफ लॉसेज इनकर्ड बाय टेंजिबल एसेट। अगर टेंजिबल एसेट्स में कोई लॉस हमें हुआ है एंड वो लॉस हमने माइनस नहीं करा है रिजर्व्स में से, तो डिविडेंड पे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंड ये राइट ऑफ किए बिना आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, सो दीज आइटम्स मस्ट मैंडेटरीली बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द रिजर्व्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि कुछ आइटम्स है जो आप राइट ऑफ नहीं भी करोगे बिफोर पेइंग द डिविडेंड तो भी चलेगा, जिसमें से सबसे पहले आ जाते हैं डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमने टेंजिबल एसेट के लॉसेस को बोला कि टेंजिबल एसेट का लॉस आपको करना ही पड़ेगा माइनस, लेकिन अगर बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई है एंड उन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या हो गया है,
वो इन्वेस्टमेंट किस में है? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में है, मींस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होगी, आरबीआई की सिक्योरिटीज होगी, इस तरह की सिक्योरिटीज जिसमें बैंक इन्वेस्ट करता है। इनकी वैल्यू अगर डेप्रिशिएट हो गई है तो उस केस में डेप्रिसिएशन अगर हमने बुक्स में नहीं भी अकाउंट फॉर करी है तो चलेगा, हम उसके बिना ही डिविडेंड इशू कर सकते हैं, ठीक है, डिविडेंड पे कर सकते हैं। मीन्स अगर मेरी सिक्योरिटी, मैंने मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी 1 लाख की, और अभी उसकी वैल्यू कम होकर कितनी रह गई है, 20,000 ही रह गई, मीन्स 80,000 उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। नाउ ये है तो मेरा लॉस, राइट? अब ये लॉस मैंने बुक्स में अकाउंट फॉर नहीं करा हुआ एज ऑफ नाउ, तो वो ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर आपने अप्रूव्ड सिक्योरिटी का लॉस राइट ऑफ नहीं किया हुआ तब भी आप उसको बिना माइनस करे डिविडेंड जो है पे कर सकते हो। मीन्स ये 80,000 को माइनस करने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं ऐसे डिविडेंड पे कर सकती हूँ। फिर आ जाते हैं दैट डेप्रिसिएशन इन सिक्योरिटी इन अदर देन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, मीन्स अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अलावा अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो क्या आ जाता है, हमारे पास शेयर्स आ जाते हैं, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन जो है वो कौन सी हमें माइनस करनी है। वेयर एडिक्वेट प्रोविजन फॉर सच डेप्रिसिएशन हैज बीन मेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑडिटर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने एक एडिक्वेट प्रोविजन बनाई है कि हाँ इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इतना लॉस हो सकता है फ्यूचर में जाके, बट उसमें मान लो एक्चुअली कोई डेप्रिसिएशन ज्यादा हो चुकी है एंड आपने वो अकाउंट फॉर नहीं करी अभी। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करा है 10 लाख रुपए के, एंड मैं नॉर्मली अपनी कंपनी की पॉलिसी या जो भी रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस की प्रोविजन बनाई है कि मुझे इससे 50,000 तक का लॉस हो सकता है, राइट? तो मींस मैंने 50,000 का लॉस लेके चली हूँ इसके ऊपर जो मैंने प्रोविजन बनाई है, ठीक है, बट एक्चुअली मैं एज ऑफ 31 मार्च जिस दिन मेरी बैलेंस शीट बन रही है उस दिन क्या हुआ कि इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कितनी मार्केट में, सिर्फ 5 लाख रुपए थी। मीन्स मेरा 4.5 लाख रुपए का लॉस क्या है, अनअकाउंटेड फॉर है, मैंने उसको अभी तक माइनस नहीं करा अपने रिजर्व्स में से, राइट? मैंने उसके डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर नहीं करा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप इस डेप्रिसिएशन को, इस 4,50,000 को माइनस किए बिना भी डिविडेंड इश्यू कर सकते हो, अगर अगर कंडीशन क्या है, अगर आपने प्रोविजन बनाई हुई है एंड ये प्रोविजन जो है किसकी सेटिस्फेक्शन पे बनाई गई है, ऑडिटर ऑफ द कंपनी की सेटिस्फेक्शन पे बनाई गई है, दैट ऑडिटर इज सेटिस्फाइड कि आपने रूल्स एंड प्रूडेंट वगैरह सब कुछ फॉलो करके, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करके आपने सही प्रोविजन बनाई है, तो उस केस में अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं भी माइनस करोगे तो चलेगा, ठीक है। देन वी हैव सिमिलरली बैड डेट्स के केस में भी ऐसे ही कि कंपनी के बैड डेट्स एक्चुअली में अगर ज्यादा भी हुए हैं लेकिन उनके ऊपर अगर एडिक्वेट प्रोविजन बनाई है तो उनका लॉस अगर नहीं राइट ऑफ करा तब भी उसके बिना आप डिविडेंड इशू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप पर्पज याद रखोगे, ठीक है, पर्पज हमारा क्या था कि हमने जब शेयर होल्डर को पैसे देने हैं तो हमने क्या इंश्योर करना है, दैट एक्चुअल जो प्रॉफिट उनके लिए है सिर्फ वही हो, ठीक है, मीन्स जो खर्चे माइनस नहीं करे गए थे वो माइनस होके जो असली प्रॉफिट आता है उतनी अमाउंट में ही उनको डिविडेंड इशू हुआ जाए, ठीक है। और इसमें से हमने ये वाली अमाउंट्स क्यों नहीं ली, इन्वेस्टमेंट्स वाली हो गई अप्रूव्ड सिक्योरिटी में या अदर इन्वेस्टमेंट में या बैड डेट्स के अंदर, बिकॉज दिस अमाउंट कीप फ्लक्चुएटिंग, राइट? कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो आज अगर हमारी कम हुई है तो वो कल को रिकवर भी हो सकती है, तो उसका अगर आप लॉस नहीं लेते हो तो इट्स ओके, चलता है, बिकॉज ये अनरियलाइज्ड चीजें हैं, ये एक्चुअली अभी रियलाइज्ड नहीं हुई। यहाँ पे जो आप आइटम्स देख रहे हो ना ये हैं अनरियलाइज्ड आइटम्स, तो इनको अगर अकाउंट फॉर नहीं भी करा भी तो चलेगा, लेकिन जो ऊपर वाले हमने आइटम्स देखे जिनको मैंडेटरी राइट ऑफ करना बोला है, तो आप देखोगे ये जो है ये हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, दीज आर एक्चुअल एक्सपेंसेस जो इनकर हो चुके हैं, जस्ट हमने इनको पीएनएल के थ्रू नहीं रूट करा है इसलिए हम यहाँ पे अब माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ आया हो कि डिविडेंड इश्यू करने से पहले प्रॉफिट में से हमने या रिजर्व्स में से हमने क्या क्या चीजें माइनस करनी है और कौन कौन सी चीजें अगर नहीं माइनस करी तो चलेगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन में हम देख लेते हैं सेक्शन 17 जो कि बात करता है मिनिमम ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, ठीक है। अब ये भी डिविडेंड वाले से थोड़ा लिंक होता है, क्यों लिंक होता है, बिकॉज डिविडेंड हम कितने रिजर्व्स पे पे कर सकते हैं, जो हमारे फ्री रिजर्व्स होंगे, राइट? तो इन्होंने बोला कि आपको प्रॉफिट
प्रॉफिट जो है आपको जो इस साल में इनकर हुआ है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। मींस वो पार्ट जो है आप क्या नहीं कर सकते हो, आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, उसको किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला कि मिनिमम कितना प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, नॉट लेस देन 25% ऑफ द प्रॉफिट। हर एक बैंकिंग कंपनी को कम से कम 25% अपना प्रॉफिट जो है रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड बाकी का प्रॉफिट जो है देन दे कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स, राइट। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी के हिसाब से हम प्रॉफिट फॉर द ईयर लेंगे जो सेक्शन 29 के अंडर बनाते हैं एंड उसी में से हम जो प्रॉफिट की अमाउंट लेंगे वो कौन सी लेंगे, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। मींस कोई भी डिविडेंड देने से पहले वाला प्रॉफिट लेना है एंड उसमें से हमने, जैसे अगर मान लो कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 10 लाख रुपए, तो इसमें से 25% तो सीधा किसका जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 2.5 लाख, देन 7.5 लाख जो बचेगा फिर इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ना कि ये कि आपने जो पहले प्रॉफिट आ गया फिर उसमें से शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड दे दिया एंड देन जो बचा उसका आप 25% ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां पे तो फिर इस सेक्शन का पॉइंट ही खत्म हो जाएगा ना। सेक्शन का पॉइंट क्या है कि आप किसी और को पैसे देने से पहले 25% अपने पास सेव करके रखो, तो इसलिए डिविडेंड देने से पहले हमने 25% निकालने हैं, ठीक है। देन वी हैव इफ बैंकिंग कंपनी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन फ्रॉम रिजर्व फंड और सिक्योरिटी प्रीमियम इट हैज टू रिपोर्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन 21 डेज, और क्या बताना है साथ में रीजन बताना उन्होंने, ठीक है। मीन्स जो हमने रिजर्व फंड बना के रखा है, रिजर्व फंड और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे अमाउंट पड़ी है उसमें से अगर कोई अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन क्या होता है कि उस अमाउंट को यूज करना किसी चीज में, अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हैं, रिजर्व्स क्या होता है, कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है। कंपनी कह रही है कि मेरे पास इतना प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो मैं क्या करती हूँ, इस प्रॉफिट को यूज करके अपने शेयर मार्केट से बायबैक कर लेती हूँ, या मैं अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर देती हूँ, बोनस शेयर इशू कर देती हूँ, उनको बोनस दे देती हूँ, फ्री में शेयर इशू कर देती हूँ। तो इस तरह की अगर कोई भी अप्रोप्रिएशन कंपनी करने लगी है या करती है बैंकिंग कंपनी, तो उसको 21 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा आरबीआई को कि ये प्रॉफिट को क्यों यूज करा गया है एंड रीजन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम अमाउंट आपको एक तो मेंटेन करके रखनी है एंड सेकंड अगर आप उसमें से कुछ भी यूज करते हो तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आरबीआई को। नाउ नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 18 जो कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में है एंड ये मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसको ध्यान से समझेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है कि बैंक के अंदर जो है दो तरह की आरबीआई के पास बैंक को अपनी लिमिट्स मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आरबीआई दो तरह की लिमिट्स निकालता है जो बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ती है, एक होती है सीआरआर और एक होती है एसएलआर। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, एंड एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट जो कि बैंक को किसके पास डिपॉजिट करके रखनी पड़ेगी, आरबीआई के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करके रखनी पड़ेगी। आरबीआई के पास इतना कैश अपना डिपॉजिट मिनिमम करवा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट कैसे उन्होंने बताई है, उन्होंने बोला है दैट एवरी नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक उसको क्या करना पड़ेगा, कैश रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। वो भी कितना कैश रिजर्व होएगा, एक परसेंटेज होगी, 4% 5% आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा, और ये परसेंटेज किसके ऊपर लगानी है, हमने डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन इंडिया, ठीक है, जो भी बैंक की डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज की अमाउंट जो आएगी वो कैश उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। एंड ये जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की वैल्यू देखनी है, अब ये वैल्यू किस पीरियड की देखनी है ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैल्यू उन्होंने क्या बोला है, अ परसेंटेज ऑफ इट्स डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट। तो ये देख लो आप, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, एक परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम, उस दिन आपकी जो भी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज थी उसकी अमाउंट का परसेंटेज आपको आरबीआई के पास मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेकेंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट का क्या मीनिंग है।
देखो अगर हम यहाँ पे सैटरडे सैटरडे से काउंट करेंगे बिकॉज यहाँ पे फ्राइडे वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो आज अगर सैटरडे है तो इससे पिछले के 2 हफ्ते लेंगे, 2 वीक्स इससे पीछे गए, ये हमारा हो गया। यहाँ पे जो भी दिन हुआ, मान लो यहाँ पे हुआ 15 तारीख, ठीक है। तो 15 तारीख हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्रोसीडिंग फोर्टनाइट, ठीक है। और इससे भी पीछे हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेकेंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट। यहाँ पे मान लो 1 तारीख को हमारा क्या हो गया, सेकेंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट। मीन्स सैटरडे से हम काउंट करेंगे अगर, तो वहां से पीछे 15 दिन गए फर्स्ट प्रोसीडिंग फोर्टनाइट, देन उससे पीछे 15 दिन गए, हमारा क्या आ गया, सेकेंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट आ गया। अब सेकेंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट का लास्ट फ्राइडे, मीन्स इसका लास्ट फ्राइडे कब होएगा, यहाँ पे 2 फ्राइडे आ रहे होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हमारा जो लास्ट सबसे पुराना वाला फ्राइडे होगा, उस दिन के अंदर जो हमारी अमाउंट थी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की, वो वैल्यू के ऊपर हमने परसेंटेज लगाना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट, एंड अमाउंट लगानी किसके बैलेंस के, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के बैलेंस के ऊपर लगानी है। तो डिमांड लाइबिलिटीज क्या होगी, जो पेबल ऑन डिमांड है, जो जैसे पर्सन ने पैसे मांगे पे करने पड़ेंगे, एंड टाइम लाइबिलिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको पे करनी है, ठीक है। यही दो लाइबिलिटीज हैं, इन दोनों की अमाउंट को आपको पे कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेन कैसे करना है, इन द करंट अकाउंट विद आरबीआई, ठीक है। रिजर्व बैंक के अंदर आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एंड वहां पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस, या आप क्या कर सकते हो, नेट बैलेंस इन करंट अकाउंट में भी मेंटेन कर सकते हो। नाउ अभी करंटली प्रिस्क्राइब जो कैश रिजर्व रेशियो है 4% है, बट दिस कीप ऑन चेंजिंग, तो ये आपको उस अकॉर्डिंग देख लेना है। तो ये हो गया हमारा कैश रिजर्व रेशियो। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये लिमिट किसके ऊपर है, सिर्फ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के ऊपर ही ये लिमिट है, तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वी हैव द अदर लिमिट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन, विच इज ऑन लिक्विडिटी नॉर्म, जो कि हमारी क्या होती है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है। तो हर एक बैंक को जो कैश रिजर्व रेशियो था, ये बैलेंस बैंक को मेंटेन करना है, बट ये बैलेंस बैंक को मेंटेन कहाँ करना है, आरबीआई के पास मेंटेन करना है। लेकिन जो लिक्विडिटी नॉर्म है वो क्या है कि बैंक को अपने पास ही कम से कम हर टाइम इतना कैश में, गोल्ड में या अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में एसेट मेंटेन करके चलनी है। मींस अपनी लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए कम से कम बैंक के पास हर टाइम इतनी एसेट्स होनी ही चाहिए, और वो एसेट्स कौन सी है, लिक्विड एसेट। मींस कैश सबसे लिक्विड एसेट हो गया, गोल्ड भी लिक्विड हो गया, एंड अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अप्रूव्ड सिक्योरिटी मीन्स गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटीज होगी, एंड अनइनकम्बर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि उसके ऊपर हमने कोई भी लोन नहीं ले रखा, उसको हमने कहीं भी प्लेज नहीं करा हुआ, उसके ऊपर किसी और का कोई भी राइट नहीं है, बैंक का फ्री राइट है उसका, ठीक है। तो इस तरह के सिक्योरिटीज का बैलेंस बैंक को मेंटेन करके रखना है अपने पास हर टाइम। और ये भी क्या होगा, एक परसेंटेज होगी, किसकी परसेंटेज होगी, सेम डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की परसेंटेज मेंटेन करनी है। और ये लिमिट भी कौन प्रिस्क्राइब करेगा, आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा। नाउ इसके अलावा, ये तो होगी हमारे स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके अलावा बैंक को क्या करना पड़ेगा, एवरेज डेली बैलेंस अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ दो चीजें आ गई हमारे पास, SLR वाली अमाउंट प्लस एवरेज डेली बैलेंस वाली अमाउंट। हमें ये नहीं करना कि इन दोनों का जो भी यहाँ पे अमाउंट है वही हमारी एवरेज डेली बैलेंस पे भी अमाउंट की सेटिस्फाई हो गई, या एवरेज डेली वाली की स्टैचुटरी लिक्विडिटी में एक्सेप्टेड होगी, ऐसा नहीं है। दोनों को अलग से हमें मेंटेन करना पड़ेगा। मीन्स अगर मेरे पास 5 लाख रुपए स्टैचुटरी लिक्विडिटी की आ रही है, और मान लो एवरेज डेली बैलेंस मेरे पास आ रहा है 2 लाख रुपए, तो मैं बोलूंगी कि 5 लाख यहाँ चाहिए, 2 लाख यहाँ चाहिए, तो 5 लाख मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, मीन्स यहाँ पे मेरी दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। इस तरह से नहीं है, मुझे टोटल कितना रखना पड़ेगा, 7 लाख रुपए रखने पड़ेंगे अपने पास, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना हमें। तो ये हो गया कि दो दो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो आपके पास, एवरेज डेली बैलेंस जो कि सेक्शन 42 में बताते हैं कि कैश रिजर्व मेंटेन करना है, और यहाँ पे आपके पास आ गया कि मिनिमम लिक्विड एसेट आपको मेंटेन करके रखनी है। तो ये हो गए हमारे लिक्विडिटी नॉर्म्स। नाउ कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग टू कंप्लायंस विद कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि हर एक बैंकिंग कंपनी को और शेड्यूल्ड बैंक्स को मिनिमम कैश रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं, दैट नॉन शेड्यूल्ड बैंक या शेड्यूल्ड बैंक, इनका मीनिंग क्या है वो आप डिफरेंस एक बार ही देख लो कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, जो आरबीआई के अंदर शेड्यूल्ड टू, आरबीआई एक्ट के शेड्यूल्ड टू के अंडर
मेंशन है, ठीक है। अभी वहां पे क्या होता है कि आरबीआई का जो शेड्यूल टू है वहां पे कुछ लिमिट्स होती हैं बेस्ड ऑन द पेड अप कैपिटल रिजर्व्स एटसेट्रा, एंड उसके बेसिस पे बैंक्स को क्लासिफाई करा जाता है शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड के अंदर। तो जो बैंक उस शेड्यूल के लिस्ट में है, आरबीआई के शेड्यूल में इंक्लूडेड है, वो होते हैं शेड्यूल्ड बैंक। एंड उसके अलावा जो सारे बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज में बैंक। अब इनमें फर्क क्या है कि ये शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड का डिफरेंस क्या बनेगा? तो जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं ना, उनको फिर आरबीआई से क्या होता है कि फंडिंग मिल जाती है इजिली कम रेट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक को क्लासिफाई करा जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, बैंकिंग कंपनीज एंड अदर शेड्यूल्ड बैंक, मीन्स जो शेड्यूल्ड बैंक है उनको तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा बाकी बैंकिंग कंपनी को भी मिनिमम कैश रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मिनिमम कैश रिजर्व की जो अमाउंट है वो कहाँ पे प्रिस्क्राइब करी गई है? तो बैंकिंग कंपनीज को कौन बताएगा मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए? वो बताएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बताएगा कि मिनिमम कैश रिजर्व आपके पास हर टाइम इतना होना चाहिए। एंड शेड्यूल्ड बैंक के लिए कौन बताएगा? वहां पे आरबीआई एक्ट बताएगा कि मिनिमम आपको कैश मेंटेन करके कितना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड हमारे पास आता है कि स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? वो आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा। और वो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो किसके ऊपर होनी चाहिए? हमारे स्पेसिफाइड एसेट्स की होती है, जो हमने ऊपर डिस्कस करा वही है, ठीक है। उन्होंने क्या बोले, द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, वही शेड्यूल्ड बैंक बेसिकली हो गए जो आरबीआई के शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का जो एसेट्स की वैल्यू है जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो में आ रही है वो मैक्सिमम 40% से ज्यादा नहीं हो सकती ऑफ इट्स टोटल डिमांड एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आरबीआई जब कोई लिमिट प्रिस्क्राइब कर रहा है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो की लिमिट अगर आरबीआई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो मैक्सिमम कितनी कर सकता है? 40% तक कर सकता है, 40% से ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये लिमिट किसके ऊपर लगी? आरबीआई के ऊपर लगी। बिकॉज अगर बैंक अपने पास 40% से भी ज्यादा पैसे अपने पास रिजर्व में ही रख के चलने लग गए तो वो बैंक कल को लोन कैसे देगा लोगों को आगे, डिपॉजिट्स कैसे करेगा, बैंक अपना बिजनेस कैसे करेगा, राइट। तो लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है बट बिजनेस भी हमारा अच्छे से चलना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट भी लगाई गई है, दैट इज ऑफ 40%। एंड टाइम हमारे पास वही सेम है, दैट इज लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट, एंड वहां पे आरबीआई आपको प्रिस्क्राइब करेगा रेट। अब कौन कौन सी एसेट्स हमें प्रिस्क्राइब करी गई है जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो में आपको मेंटेन करनी है? तो वही हमारी सेम एसेट है। कौन सी? पहले आ गया गोल्ड, देन सॉरी पहले आ गया कैश, देन आ गया गोल्ड। गोल्ड भी क्या है, आपको करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर उसको वैल्यू करके उसकी अमाउंट लेनी है। देन इन्वेस्टमेंट कौन सी? अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अप्रूव्ड कौन सी? गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आपको लेनी है। एंड ये सारी एसेट्स जो है इनको क्या बोल देते हैं, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो सिक्योरिटी, मीन्स जो कि स्पेसिफिकली इस तरह से क्लासिफाइड है कि ये वाली सिक्योरिटीज आप स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए रख सकते हो, तो वही वाली सिक्योरिटीज को इंक्लूड करना है। तो ये हमारा हो गया डिस्कशन ऑन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड दिस बोथ कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अमाउंट परसेंटेज हमें किस पे लगानी है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के ऊपर लगानी है। परसेंटेज प्रिस्क्राइब कौन करेगा? शेड्यूल्ड बैंक के लिए आरबीआई करेगा। एंड बाकियों के लिए कौन करेगा? कैश रिजर्व की अमाउंट बाकियों के लिए कौन करेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो की कौन करेगा? आरबीआई ही प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। एंड आपको जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की अमाउंट कौन से पीरियड की देखनी है फॉर अप्लाइंग द रेट, तो वो आपको देखनी है लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट। तो ये हमारी होगी स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो की डिस्कशन। नाउ नेक्स्ट शेड्यूल देख लेते हैं हम हमारे कैपिटल एंड रिजर्व अकाउंट को, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट के अंदर कैसे होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल का हमारा शेड्यूल जो है वो क्या रहेगा, फर्स्ट शेड्यूल रहेगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का। तो यहाँ पे कैपिटल को हमने दिखाया है दो पार्ट्स में। सबसे पहले हमने दिखाया फॉर नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। देन हमारे पास है बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो इन दोनों बैंक्स की अलग से आ गई। और इसके अलावा अगर कोई बैंक्स है तो उनको इस तरह से प्रेजेंट करनी है अपनी कैपिटल, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, नेशनलाइज्ड बैंक्स ने क्या करना है, उनकी
क्योंकि नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं, जो कि फुली ओन्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो यहाँ पर हम शो कर देंगे, ठीक है। और जो बैंक्स कौन से हैं, बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो वहां पे उनको क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी कैपिटल दिखानी पड़ेगी जो कि बैंक ने ब्रोट अप करी है बाय वे ऑफ स्टार्टअप, और आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है कि इतनी मिनिमम आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, जो हमने ऊपर लिमिट पड़ी भी है, तो वो वाली कैपिटल आ जाएगी। देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैप्ट विद आरबीआई अंडर सेक्शन 11(2), तो आरबीआई के पास जो उन्होंने अमाउंट डिपॉजिट रखी है वो अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं कि अदर बैंक्स के केस में कैसे हमने प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल है कि इतने शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स बताएंगे एंड पर शेयर वैल्यू बताएंगे ईच हर एक शेयर के, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होगी कि मेरी मान लो अगर बैंक को 10 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि 10 लाख रुपए कैसे है, 1 लाख शेयर मैं इशू कर सकती हूँ मैक्सिमम, और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगी उसमें से मैं इशू कितने कर चुकी हूँ एंड सब्सक्राइब कितने हुए, मैंने इशू कितने करे एंड लोगों ने एक्चुअली शेयर सब्सक्राइब कितने करे, उसमें से मैंने पैसे मंगवा कितने ले हैं। अब ये मेरी क्या हो जाती है, पेड अप कैपिटल हो जाती है, राइट। फिर इसमें से माइनस क्या हो जाएंगी, अनपेड, मैंने इतने मंगवाए उसमें से कुछ अमाउंट हो सकता है लोगों ने ना दिए हो, और कुछ शेयर हो सकते हैं मैंने फॉरफिट कर दिया, तो वो अमाउंट ऐड हो जाएगी एंड देन हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी पेड अप कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अब देख लेते हैं कि नेशनलाइज बैंक के केस में हमने क्या देखा कि कैपिटल आपको सीधा बैलेंस शीट के डेट वाले दिन की दिखा देनी है और कुछ नहीं करना है। बट अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आपको वहां पे दो क्लासिफिकेशन देनी है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि स्टार्टअप कैपिटल आपने कौन सी लाई है और आरबीआई के पास अपने अमाउंट डिपॉजिट कौन सी करवाई है, ठीक है। फिर अदर बैंक के केस में आपको क्लासिफिकेशन देनी है ऑथराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप के बेसिस के ऊपर, देन ये सारी चीजें होगी। अब ये नोट्स देख लेते हैं हम कि अगर कुछ फ्रेश कंट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, फ्रेश कंट्रीब्यूशन किसने करा है, गवर्नमेंट ने करा है बाय फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, अगर कुछ भी इस तरह का हुआ है तो वो आपको नोट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारा ये कुछ चेंज हुआ है। एंड गवर्नमेंट या वर्ल्ड बैंक का पार्टिसिपेशन आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा, एंड इसके अलावा जहां पे भी आपको कैपिटल है, आपकी इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड है, वो आपको यहाँ पे शो कर देना। तो ये हमारा हो गया कैपिटल का शेड्यूल। अब इसके बाद देख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमने क्या कौन कौन से रिजर्व दिखाने हैं, सबसे पहले आ गए हमारे पास स्टैट्यूटरी रिजर्व, देन हमारे पास आ गए कैपिटल रिजर्व, फिर आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, फिर आ गया बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो एक एक करके ये रिजर्व देख लेते हैं। अभी सभी रिजर्व को प्रेजेंट कैसे करना, हमने ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस हमने दिखाना है, ठीक है। हमने पूरा पूरे ईयर की मूवमेंट दिखानी है, ये चीज हो गई। अब एक एक रिजर्व का मीनिंग देख लेते हैं कि कौन कौन से रिजर्व में क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व के अंडर क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व कहां पे बनाया गया, सेक्शन 17 के अंडर बनाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। तो सेक्शन 17 के अंदर जो रिजर्व प्रिस्क्राइब किया गया कि आपको इतना मिनिमम रिजर्व बना के ही चलना है, वो अमाउंट कहाँ पे आपकी शो होगी, स्टैट्यूटरी रिजर्व के अंदर आपको शो करनी है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व कौन सा आ गया कि वो अमाउंट जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मीन्स इसमें से आप क्या नहीं कर सकते, प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, या आप डिविडेंड नहीं दे सकते, आप इसमें से बायबैक नहीं कर सकते, मीन्स उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही यूज हो सकते हैं रिजर्व, तो वो हमारे हो जाते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व के अंडर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर कुछ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। देन वी हैव शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्या हुआ कि अगर शेयर मैंने फेस वैल्यू से जितने ज्यादा पे इशू करे हैं वो मेरा शेयर प्रीमियम है, तो वो भी मेरा रिजर्व्स की अमाउंट में रहता है। शेयर प्रीमियम को भी हम सिमिलरली कैपिटल रिजर्व की तरह यूज नहीं कर सकते हैं इजिली। देन वी हैव रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व हमारे हो जाते हैं जो फ्री रिजर्व्स हमारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि दिस आइटम विल इंक्लूड ऑल रिजर्व्स, ठीक है, जो भी हमारे बाकी रिजर्व्स हैं सेपरेटली क्लासिफाई नहीं करे गए, एंड इनमें कौन सी अमाउंट नहीं आएगी, अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल और डिमिनिशन ऑफ एसेट, ठीक है। बिकॉज ये वाले सारे जो एसेट के रिलेटेड हैं, डेप्रिसिएशन के, रिन्यूअल के, तो ये सारे कैपिटल रिजर्व में हम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व में ये चीज नहीं आएगी,
इसके अलावा लास्ट हमारा क्या आ जाता है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है आफ्टर पेइंग डिविडेंड एटसेट्रा, तो वो हम सारा यहाँ पे शो कर देंगे। ये हो गया हमारा डिस्कशन ऑन कैपिटल रिजर्व्स या रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैपिटल के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, एंड इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने कहे हैं वो आपको अच्छे से उन पे फोकस करना है, एंड हम इससे अगले लेक्चर में मिलते हैं, एंड सी यू, बाय बाय।